मीरा भाईंदर में राजनीति हर दिन नया मोड़ लेके आती है और अब इतना बड़ा मोड़ मीरा भाईंदर की राजनीति में आया है कि सभी न्यूज चैनलों पर एक ही न्यूज की भरमार है। मीरा भाईंदर सीट को लेकर पहले से ही सियासत शुरू थी। इस सीट पर चुनाव टिकट पहले विधायक गीता जैन को मिलने वाला था, ऐसी चर्चा शुरू थी। लेकिन अब इस सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को टिकट मिला है, वही विधायक गीता जैन अपक्ष लड़ने वाली है। जहां एक तरफ नरेंद्र मेहता को टिकट मिला है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के पूर्व नगर सेविका नैना वसानी और पूर्व नगर सेवक अश्विन कासोदरिया ने बीजेपी पक्ष छोड़कर विधायक गीता जैन को अपना समर्थन दिया है और उसके साथ जुड़ गए हैं। हमने इस बारे में उनसे बात की, आइए सुनते हैं उनका उस बारे में क्या कुछ कहना है। मैं जो आज का निर्णय है, प्रदेश से जो डिसीजन आया है कि नरेंद्र मेहता जी को घोषित किया गया उम्मीदवार के रूप में, उससे मैं बहुत नाराज हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर मैं पिछले 2006 से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। मेरी 16 वर्ष की उम्र से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ, लेकिन सक्रिय सदस्य 2006 से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। 2019 में जनता ने जो जवाब दिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, नरेंद्र मेहता जी का भ्रष्टाचार तानाशाही, उससे तंग आके जनता ने निर्णय बदला था। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर गीता जैन आमदार बनने के बाद 5 वर्षों में जो काम किए, लोगों के साथ जो प्रेम जोड़े, और जिसे अभी गीता जी ने बताया, अगर इतना समर्थन देने के बाद, विश्वास देने के बाद अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो भाजपा के, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जुड़े जल गए 2000 लोग। हम आपको माहिती दे रहे हैं, 2000 लोग सक्रिय सदस्य प्राइमरी सदस्य बच्चे भाजपा से रिजाइन करने जा रहे, क्योंकि हमें बहुत दुख हुआ है कि मीरा भाईंदर एक निष्ठावान ईमानदार आमदार को टिकट ना देते हुए एक भ्रष्टाचारी को टिकट दिया गया है, जिनका लेखा जोखा सब ने देखा है, आप सभी को पता है। तो मैं इससे बहुत आहत लगी मुझे और मैं मेरे सारे पद से भाजपा के रिजाइन दिया। देखिए मैडम के साथ 2012 से 2017 तक का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। 2015 में मैं महापौर भी थी 15 से 17 तक, और महापौर रहते हुए उन्होंने जनता के इतने सारे कार्य किए हैं, नगर सेवकों को भी उनके वार्ड में हर काम के लिए उन्होंने मदद की है, तो उनके साथ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। 2019 में जब मैडम को टिकट नहीं मिली तो हमें दुख, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने तब, मैं प्रदेश में महिला मोर्चा में आदरणीय एडवोकेट माधवीताई नाइक जब अध्यक्षा थी, उनके साथ में मैं पूरे महाराष्ट्र की सोशल मीडिया कन्वीनर थी, तो मैंने कई वरिष्ठों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि शहर में भाजपा का जो माहौल है वो अगर किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो शायद ये माहौल बिगड़ सकता है और हमारी सीट जा सकती है, तो इस पर विचार किया जाए। लेकिन शायद उस समय प्रदेश में से या राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कोई विचार नहीं किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पर अपनी ये सीट गंवा दी, और मैडम जो है वो अपक्ष आमदार के रूप में वे यहाँ पर उनका चयन हुआ। उस समय मैडम की छवि साफ सुथरी होने के बावजूद मैंने मैडम से हाथ जोड़ के विनती की थी कि आप अपक्ष लड़ रही हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पार्टी में रह के पार्टी से गद्दारी नहीं करनी थी। उस समय भी हमने सोचा कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया। उसके बाद मैडम ने आगे, उस टाइम पे आपने मैडम का काम किया था? नहीं किया था। ओके। नहीं किया था, मैंने मेहता जी का ही काम किया था, मेरे सारे बूथ में मेहता जी को। लेकिन मेहता जी को काम किया आपने, लेकिन आपकी तो नगर सेविका का पद भी उन्होंने रद्द कराया था, अगर आपको याद हो, फॉर्म रिजेक्ट हुआ था आपका, फिर आपने कैसे देखिए मेहता जी ने, अब कहने जाऊं तो बोलेंगे कि क्या सबूत है, लेकिन आज राजनीति में मैं भी 10 साल से हूं, तो मेरे साथ जो जो हुआ वो किसके कहने पर क्या क्या हुआ उन चीज़ों में मुझे नहीं जाना है। 2019 में मैडम के चुन के आने के बाद मैडम ने जाके आदरणीय देवेंद्र जी को समर्थन दिया था, बिन शर्त पाटिंबा दिया था, हम खुश हो गए कि हमारे शहर को वापस
एक साफ सुथरी छवि वाली आमदार मिली है, जिनके साथ हम अपने आप को भाग्यशाली मानते थे कि जिनके साथ हमने नगर सेविका काल में भी काम किया हुआ है। तो जनता की आवाज़ वाली महापौर हमारी आज विधायिका के रूप में आई है, लेकिन फिर से पता नहीं क्या समस्याएं आई, क्या राजनीति हुई, और मैडम जी के समर्थन को शायद इतना ध्यान में नहीं लिया गया। लेकिन महायुति जब हुई, वापस महायुति की आमदार के रूप में भी वे हमारे साथ थी, तो वह एक महायुति के आमदार के रूप में मैंने उनका समर्थन किया, हमेशा मैं उनके साथ रही, और उम्मीद थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में हमारी साफ सुथरी छवि वाली विधायिका के साथ अन्याय नहीं होगा, और ये सोचकर हमने पूरी ताकत से उनका समर्थन करने का सोच लिया। लेकिन आज जो निर्णय आया, जिससे मैं बहुत आहत हूँ, और मैं फिर से, मैं पार्टी की सदस्य होके, मैं गद्दार होके काम करना नहीं चाहती हूँ, ना मैं किसी और पार्टी में जाना चाहती हूँ। मुझे मेरी पार्टी से के ये निर्णय से शिकायत है, बाकी मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है कि मैं किसी और अन्य पार्टी को ज्वाइन करूँ। लेकिन एक साफ सुथरी आमदार जिन जनता के समर्थन से जो चुनकर आई है, और मेरे समर्थक जो है, मेरे चाहने वाली जो जनता है, वो भी अगर साफ सुथरी छवि वाली विधायिका चाहते हैं, तो मुझे मैडम के लिए खुलकर काम करना है, जो पार्टी के बंधन में रह के मैं नहीं कर पाती थी। अब की बार आपने ठान लिया है कि आपको खुलकर मैदान में आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर बार अगर पार्टी का झंडा लेके आज मैं भी गलत तरीके से साथ देते रहूंगी, तो ये मेरी जनता क्या सोचेगी। जिस सोच से मैं राजनीति में आई हूँ, वो सोच जो है वो परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने पार्टी के प्राथमिक और सक्रिय सदस्यत्व से राजीनामा दिया है। जैसे कि आपने सुना कि 2000 कार्यकर्ताओं के साथ अश्विन कासोदरिया और नैना वसानी ने बीजेपी पक्ष छोड़ा है। महायुति को इतना समर्थन देने के बावजूद भी एक निष्ठावान विधायक को टिकट ना देकर एक भ्रष्टाचारी को टिकट मिला है, ऐसा उनका कहना है। अब आने वाले इस चुनाव में जनता किस उम्मीदवार को वोट देती है और इस वोट से कौन बाजी मारता है, ये देखना अहम होगा। हालांकि विधायक गीता जैन ने भी टिकट ना मिलने पर कहा है कि जहां मैं पहले थी, वही नियति ने मुझे लाकर छोड़ा है, इतिहास फिर दोहराएगा, ऐसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। क्या आपको लगता है कि इतिहास फिर दोहराएगा? ये कमेंट कर जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एमबी लाइव के साथ।